दोस्तों आज बना रहे मटन की एकदम आसान रेसिपी। इससे पहले इतनी आसान रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी। आपको कोई भी कुछ काटने वाटने की जरूरत नहीं है, एकदम मिनटों में प्रेशर कुकर में बन जाती है और मटन पूरी तरीके से गल जाता है और जो मटन का फ्लेवर है ना पूरा रस्सा ग्रेवी में आ जाता है। एक बार ये रेसिपी बनाना तो बनता है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 6 से 7 मिर्ची ले रहा हूँ, साथ ही साथ में 6 से 7 लहसुन के पीसेस भी ले ले रहा हूँ। अभी इन सबको हमें जबल लेना है एकदम 2 से 3 मिनट तक एकदम बारीक तरीके से। तो देख सकते हो जो हमारी लहसुन और मिर्ची एकदम बारीक तरीके से जबल चुके हैं, या फिर आप मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो अभी प्रेशर कुकर में 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म होते ही इसमें 1/2 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, साथ ही 1 तेज पत्ता का पीस डाल देंगे। अभी इसके अंदर जो हमने लहसुन और मिर्ची को जबला था वो डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाए जब तक लहसुन का कच्चापन ना चले जाए और मिर्ची अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर हमारी लहसुन और मिर्ची पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े कांदे को पीस कर डाल रहा हूँ। तो मैंने मिक्सर में इनको पीस लिया था बारीक। अभी डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर ले और कांदे को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पकाए जब तक कि कांदे का पेस्ट पूरी तरीके से पक ना जाए और साइड ना छोड़ने लग जाए। तो यहाँ पर करीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। देख सकते हो कांदा पूरी तरीके से पक चुका है, साइड छोड़ने लग गया है। अब इसके अंदर मैं 3 बड़े टमाटर को पीस कर डाल रहा हूँ। आपको कोई भी कुछ काटने की जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीका है। टमाटर डालते ही इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही रखें। यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है कांदे के साथ में। तो साथ ही साथ इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाल रहा हूँ। ये तीखी कम होती है पर कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, साथ ही साथ 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम गर्म मसाला पाउडर भी डाल दे रहे हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है हमें और मसाला डालते इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जो पूरा मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही रखिए और मसाले को पकाने के लिए। तो यहाँ पर मसाला पकाने के लिए मैं थोड़ा पानी भी डाल दे रहा हूँ ताकि जो मसाले वो अच्छी तरीके से पक जाए। पानी डाल के बस इसे अच्छे से मिक्स कर ले और अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छे से पकाए। तो करीबन 4 मिनट बाद देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अभी इसके अंदर जो हमने मटन को अच्छे से वॉश किया है वो डाल देना है। मटन डालते ही इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले मसाले के साथ में ताकि जो हमारा मसाला है पूरा मटन के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा टेस्ट और ग्रेवी के अंदर रिचनेस लाने के लिए थोड़ा सा 1/2 कप जितना मैं दही डाल दे रहा हूँ। बस दही डालते ही फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले मसाले के साथ में। दही डालने के टाइम पे थोड़ा गैस को मीडियम और लो पे रखें ताकि दही हमारा फटे ना। बस दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे और पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो 1/2 कप जितना मैं पानी डाल दे रहा हूँ। पानी डाल के बस इसे एक बार फिर से मिक्स कर ले और इसे कवर करके करीबन 4 से 5 सीटी लगा दे मीडियम फ्लेम पर। तो हमारी 6 सीटी लग चुकी है और मटन पूरी तरीके से गल चुका होगा। तो इसका पूरा गैस निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने पूरा गैस निकाल चुका है, देख सकते हो मटन पूरी तरीके से गल चुका है और तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है। तो इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देना है। धनिया डालने में कोई कंजूसी ना करे, धनिया डाल के बस इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। ग्रेवी का रिचनेस देख रहे हो ना, ग्रेवी का रिचनेस देख रहे हो ना, सबसे आसान तरीका और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। तो आपको मैं प्लेट में निकाल कर भी बताता हूँ कि मटन कितना गल चुका है। तो देख सकते हो मटन पूरी तरीके से पक चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बस ऊपर से थोड़ा फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, सही बना रहा।